नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रॉनिक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज 29 जुलाई और टाइम हो रहा है सुबह के 6:40। तो बेसिकली भी मार्केट ऑफ है और कल एक कंपनी का रिजल्ट आया था, कैसे कई सारी कंपनी रिजल्ट आ रहे हैं और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो भी गिरावट हो रही है या निफ्टी जो भी डाउन जा रहा है, ये ग्लोबल संकेत हैं। क्योंकि ग्लोबल के अंदर जो भी चाइना का, अमेरिका का, कुछ ऐसे गवर्नमेंट अपने एक्शन ले रही है जिस वजह से कंपनियों को उनसे नुकसान होगा, जिस वजह से वो शेयर डाउनफॉल आ रहा है। बाकी ग्लोबली आप देखेंगे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन बड़ी बड़ी कंपनी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। बट अभी जैसी निफ्टी जितनी तेज़ी से गिरा था उतनी तेज़ी से आज अब भी होगा। तो बेसिक फंडामेंटल ये है कि हमें बस शेयरों के अंदर चूज़ करके, बाय करके, होल्ड करके बैठना है और अपने पैसों को मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो आज की जो शुरुआत कर रहा हूँ, तो आज जो शेयर मैंने जो कंपनी चूज़ करी है वो है SKM प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये क्या करती है कंपनी, ये जितने भी एग्स से लिमिटेड होती है, यानी कि जो अंडे से जितना भी निर्मित पाउडर, बेकिंग पाउडर बनना, ठीक है, बाकी चीज़ें जो भी जो भी सोच चाहिए होता है इनको एग्स से, यानी अंडों का आयात निर्यात भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करती है कंपनी, ठीक है। इस कंपनी का काम क्या है, देखिए मैं कंपनी की वेबसाइट पे हूँ, ये आप समझ सकते हैं। जितना भी आइसक्रीम हो गया, जितना भी केक्स हो गया, कुकीज़ हो गया, उनमें एग का कुछ पर्टिकुलर कुछ पार्ट्स आता है, यानी एग्स डाला जाता है जिस वजह से वो सॉफ्ट बनते हैं, यानी जिस वजह से उनको मेकिंग में वो ज़रूरत पड़ती है। तो ये कंपनी क्या करती है, उसी प्रोडक्ट का काम करती है, यानी कि जो एग को, यानी कैसे भी करके उसको पाउडर फॉर्म में लाती है, पाउडर फॉर्म से क्या करती है ये, और फिर हमारे को ये बेकिंग में काम आता है ये, ठीक है। ये देखिए इनका क्या 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 प्रोडक्ट्स कितना है, एग पाउडर हो गया, बेकरी मिक्स हो गया, लिक्विड एग हो गया, यानी कि देखिए, यानी कि वैसे भी एग देती है, पाउडर फॉर्म करके भी देती है, यानी कंपनी का ये काम है, ठीक है। इनका नेटवर्क कहाँ कहाँ पर है ये देखिए, ये इंडिया की कंपनी है मगर इनका काम कहाँ कहाँ पर है, जापान, यूरोप, रशिया, यानी कि ये तीन कंट्रियों में रनिंग है साथ के साथ, ठीक है। तो कंपनी का आप समझ सकते हैं कि भाई आजकल लोग कितने, यानी कि बर्गर, यानी फूडी कितने हो गए, चीज़ वीज़ जितनी बनती है, मेयोनीज बनती है, उसमें सब में एग डलता है, ठीक है। तो ये कंपनी उन प्रोडक्ट के लिए सप्लाई करती है जो भी एग की जैसी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मेयोनीज बनने आप नहीं बना सकते, पर कुछ फॉर्मेट होता है रेडी टू मूव, वो सारे प्रोडक्ट को ये बनाती है कंपनी, ठीक है। तो ये ओवरव्यू कंपनी का समझ लिया हमने, कंपनी क्या करती है, कंपनी का वर्किंग क्या है, कंपनी का कितने एरिए, कितने पर्टिकुलर कहाँ कहाँ पर कंपनी का वो है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, क्योंकि शेयर के अंदर वो पैसा लगाते हैं ना, अपनी मेहनत का पैसा लगाते हैं, वो पैसा हमारा डुप्लीकेट यानी मल्टीप्लिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी में हम आते हैं, देखते हैं, हम बड़े बड़े लॉस कर जाते हैं मार्केट के अंदर। आप लॉस मत करिए, मेरी सारी कॉल हिट होती हैं और डेफिनेटली पैसे बने रहेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं SKM शेयर क्या करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो कल ये बंद हुआ 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ, क्योंकि जिस टाइम पे रिजल्ट आया था मार्केट बहुत तेज़ी से डाउन थी उस टाइम पे। तो ये देखिए ओपन कितने पे होता है, 87.55 पे होता है और 92 का हाई मारता है और 83.85 का लो मारता है, 52 हाई है इसका 99.50 पैसे और 52 लो है 32.60 पैसे। तो ये कंपनी का ओवरव्यू हो गया, ठीक है। अब मैं कंपनी का और भी आपको समझाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं इसके अंदर की साइड पर, मैं आ गया हूँ। तो पहले मैं आपको कंपनी का और भी समझा देता हूँ। SKM प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट इंडिया लिमिटेड, मार्केट कैप है 228 करोड़ का, करंट RO भी सही है, ROC भी सही है, डिविडेंड भी दिया कंपनी ने, फेस वैल्यू भी अच्छी है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है। तो कंपनी अपनी यानी कि बुक वैल्यू भी अच्छी है कंपनी की, और क्या अच्छे प्लस पॉइंट है कंपनी के, कंपनी पे आउट डिलीवर्ड कर रही है, कंपनी का अभी जितना भी खर्चा है, कंपनी पुअर सेल्स दे रही है बट कंपनी हैज़ रिटर्न, कंपनी थोड़े बहुत डेप में है, वो कोई दिक्कत नहीं, लाइबिलिटी से थोड़ी बहुत लाइबिलिटी तो हर किसी के साथ होती है। ये देखिए इसका जून का कल का क्वार्टर का रिजल्ट आया था, तो पिछले 2020 के जून के अकॉर्डिंग ये देखिए प्रॉफिटेबल है कंपनी का, ठीक है, यानी दो क्वार्टर से कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है।
क्वार्टर वाइज भी देख लिया हमने, ठीक है। अब समझते हैं और भी इसमें और क्या है। ये देखिए मैंने टिकट ऐप के साइड ओपन कर लिया है। तो ये देखिए पहले ओवरव्यू समझते हैं मार्केट का। मैंने बताया पैकिंग फूड एंड मीट्स के अंदर कंपनी का काम है। तो ये देखिए फाइनेंशली क्या है इसका, देखिए ये देखिए ये 2020 में ईयर वाइज प्रॉफिट मेकिंग है कंपनी। ये देखिए 12.77% क्वार्टर रिजल्ट के अंदर ने प्रॉफिट दिया है, ठीक है। यानी कि रिजल्ट प्रॉफिट मेकिंग आ रही है क्वार्टर वाइज भी कंपनी। पिछले दो लास्ट क्वार्टर से अच्छे प्रॉफिट मेकिंग दे रही है कंपनी, ठीक है। तो कंपनी का नो डाउट कंपनी अच्छी है, कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छा है। यानी कि अब ट्रेंड आ सकती है, ये शेयर मल्टीबैगर भी बन सकता है, 3 डिजिट में जाने को तैयार है जिस तरह से रिजल्ट दे रही है कंपनी, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाई दिया, ये देखिए क्वार्टर वाइज अच्छा रिजल्ट है कंपनी का, क्वार्टरली रिजल्ट है। ये देखिए अदर इनकम भी इसकी सही हुई है, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है इसका, डेप्रिसिएशन भी कम करा है इसने अपना इस क्वार्टर। यानी इसका EPS भी अच्छा हुआ है, इसने EPS दिया है 1.04 रुपये का डिविडेंड का EPS देने को तैयार रहती है। अर्निंग पर शेयर इसका EPS सही आया है, यानी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर EPS इसका बढ़ा है। तो कंपनी का नो डाउट कंपनी को ऐसी ही कंपनी देखनी चाहिए जिस जो अपने प्रॉफिट मेकिंग हो और अपने खर्चे कम कर रही हो, कंपनी की ग्रोथ हो। आपको पता है कि इंडिया के अंदर या आउट ऑफ इंडिया में एक्स का प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब इसके चार्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो मैं इसका डेली चार्ट ओपन कर रखा है, तो डेली चार्ट में कुछ है इसमें समझते हैं। ये देखिए कल निफ्टी गिरा था, तो कल अपना इसने जो इसकी सपोर्ट है इसकी 82 पे, ये देखिए इसकी सपोर्ट है चार्ट की, इधर ये सपोर्ट लेके तैयार है। ये इसका 82 पे इसकी सपोर्ट है, अगर ये 82 से डाउन जाता तो ये ज़्यादा ये डाउन जाएगा 74 तक जाएगा। ये 74 से फिर ये अब ट्रेंड की तरफ आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ये इस कैंडल पे इसकी सपोर्ट है, ठीक है। तो अगर ये 82 भी जाता तो कोई घबराने की बात नहीं है, 82 तक इसे डेफिनेटली बाय करिए और 74 का स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करिए। पहला जो मेरा टारगेट है इसमें, पहला टारगेट मेरा 100 रुपीज़ का है, दूसरा टारगेट मेरा 120 का है, क्योंकि चार्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। चार्ट पे जो इसके सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि इसका प्रॉफिट मेकिंग है कंपनी, शायद ये आज अब ट्रेंड की तरफ ही दिखेगा आपको, क्योंकि निफ्टी का थोड़ा सपोर्ट मिला था, क्योंकि निफ्टी की वॉलिडिटी में ये भी काम करता है, 3x की उसमें कंट्रोलिंग में है ये, ठीक है। तो हमें बस इसमें बाय करना है, क्योंकि मैं सारे जो भी शेयर देता हूँ लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से देता हूँ, क्योंकि देखिए बाय करके हम होल्ड करेंगे तो ही हम पैसा कमा पाएंगे मार्केट के अंदर। एक दिन में कोई नहीं कमा सकता, आप सोचें इंट्राडे में नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत नॉलेज होने की ज़रूरत है, क्योंकि चार्ट हर 2 मिनट 5 मिनट का चार्ट पर आपको पता होना चाहिए कौन सा कैंडल बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये शूटर कैंडल नहीं थी ये तो, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, तो ये गिरावट में इतना नहीं गिरा है जितना गिरना चाहिए था। तो इसको हम 74 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करेंगे और 82 तक ये डाउन हो सकता था, कोई घबराने की बात नहीं है। पहला टारगेट 100 रुपीज़ का, दूसरा टारगेट 120 का है, ठीक है। तो वीकली चार्ट देख लेता हूँ, वीकली चार्ट पे क्या है। ये देखिए वीकली चार्ट इसका अप ट्रेंड की तरफ ही है, अभी ऐसा नहीं गिरावट हुई है, करेक्शन हो गई है शेयर के अंदर, ठीक है। वीकली चार्ट देख लिया हमने, अप ट्रेंड की तरफ है। ये देखिए मंथली चार्ट पे भी अप ट्रेंड है, यानी कि चार्ट वीकली और मंथली वाइज अप ट्रेंड की तरफ, बट करेक्शन हुए हैं और प्रॉफिट आया कंपनी का। रिजल्ट के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं कंपनियों के अंदर, तो डेफिनेटली इस कंपनी को बाय करके पैसे बने रहेंगे तो ये आपको मल्टीबैगर भी बन सकते हैं शेयर। हाँ दोस्तों, क्योंकि कंपनी जिस तरह से वर्किंग है, प्रोडक्शन है, कंपनी ग्रो कर रही है पिछले दो क्वार्टर से, तो मुझे लगता है कि जब पैंडेमिक में जिसने ग्रो कर लिया, तो समझ लो कोविड के अंदर जो कंपनी ग्रो करे, तो जब सब चीज़ें नॉर्मल होगी तो कितनी ग्रोइंग करेगी। तो बेसिकली इस शेयर को, इस कंपनी को बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रखिए, अच्छे रिटर्न देगा ये आपको। आई होप ये वीडियो आपके यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।